वैदेही के साथ वो घिनौनी बदतमीजी करने के बाद महेंद्र सारा इल्जाम बहरूपिये पर लगाकर वहां से जा चुका था और उसके जाते ही सैनिक वैदेही के कमरे में आ गए। सैनिकों ने आते ही पूछा, राजकुमारी आपकी खिड़की से फूलदान नीचे कैसे गिरा, क्या हुआ राजकुमारी? वैदेही ने जैसे ही अपना मुंह खोलना चाहा था कि उसके मन में ख्याल आया, क्या ये महेंद्र ही था या फिर वाकई ये वो बहरूपिया था? लेकिन महेंद्र अपने ही राजमहल में ऐसी हिम्मत करने की जरूरत कैसे करेगा जबकि वो राजा समरजीत और गुरुदेव के स्वभाव से अच्छे से वाकिफ है। मैं एक बार पहले भी महेंद्र पर इल्जाम लगा चुकी हूँ, जब दासी ने बहरूपी के हाथ पर दांत से काटने की बात की थी, पर उस वक्त भी मैं गलत थी और आज भी मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो महेंद्र ही था। आखिर बोलू तो बोलू क्या मैं इनको, और अगर वो बहरूपिया हुआ भी तो कौन सा अब तक महल में ही बैठा होगा? वैदेही ने ये सब सोचकर कहा, नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, वो गलती से मेरे हाथ से लगकर गिर गया था, आप सब जाइए। मगर रात के समय में सैनिकों की इतनी हलचल के कारण राजा और गुरुदेव दोनों ही अपने अपने कमरे से निकलकर वैदेही के कमरे के पास ये शोर का पता करने चले आए थे। वैदेही का आदेश पाकर सारे सैनिक वहां से निकल गए। वैदेही अकेली ही उधेड़बुन में पड़ी थी क्योंकि अब तो अथर्व भी पास नहीं था कि वो अपने मन की बात किसी से करती, मगर अथर्व तो त्रिभंगा पर्वत पर अपनी सफर में उलझा हुआ था। अथर्व ने गायत्री से कहा, ये जीजा जी इतना कितना आगे निकल गए हैं कि कहीं दिखी नहीं रहे। गायत्री अथर्व की बात सुनकर सोचने लगी, कहीं ये धनंजय वहां कमल तक पहुंच तो नहीं गया, अगर ऐसा हुआ तो ये सारा झमेला बर्बाद चला जाएगा। उस बूढ़े आदमी ने बताया था कि वो कमल कौसर कुंड में है, मुझे लगता है मुझे कोई और रास्ता लेकर जल्द से जल्द उस फूल तक पहुंचना होगा। चलते चलते सामने पहाड़ पर दाएं और बाएं तरफ दो रास्ते खुल रहे थे और आगे थी गहरी खाई। अथर्व ने अपने मन में सोचा और बोला, मुझे लगता है हमें दाहिनी ओर मुड़ना चाहिए। गायत्री ने अथर्व की बात से साफ इनकार कर दिया, नहीं मेरा मन कहता है कि कौसर कुंड का रास्ता बाईं ओर होगा। कुछ पल सोच विचार करने के बाद दोनों ने यह फैसला किया कि जिसके दिल को जो लगता है वो वही रास्ता ले और उस पर चलना शुरू कर दे। आखिर वो यहाँ किसी पर्यटन मनोरंजन के लिए नहीं आए थे, वो एक प्रतियोगिता में थे और उन्हें काम जल्दी निपटाना था, इसलिए अथर्व दाहिनी ओर मुड़ा और गायत्री बाईं ओर निकल पड़ी। रात काफी हो चुकी थी, मशाल की लौ भी अब हल्की पड़ने लगी थी। इससे पहले कि कोई और मुसीबत हो उन्हें रात गुजारने के लिए कोई एक सुरक्षित जगह देखकर वहां अपना तंबू डालना था। थोड़ा ऊपर चढ़कर अथर्व को बड़ी सी चट्टान दिखी। उसने सोचा, ये जगह रात काटने के लिए ठीक रहेगी, इस चट्टान के आगे रुक जाता हूँ, कम से कम एक तरफ से कोई खतरा नहीं होगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अथर्व ने अपने तीर धनुष और भाला अपने बगल में रखा और दो धारदार खंजर अपनी कमर में बांधे रखा। उसने अपने आस पास के गिरे हुए पत्तों और झाड़ियों से अपना सारा शरीर ढक लिया और बस आंखें खोली रखी। हाँ अब ठीक है, अब अगर किस्मत अच्छी रही तो कोई जानवर पास से गुजरेगा भी तो इन पेड़ पौधों से शायद चकमा खा जाए और आगे निकल जाए, और अगर नहीं तो। गायत्री ने भी अपने रास्ते में एक सुरक्षित जगह देखकर वहां अपना इंतजाम कर ही लिया था। सबने भोर होते ही यात्रा शुरू कर दी थी, इसलिए शरीर का थकना लाजमी था। हालांकि दोनों ने लेटकर भी अपनी आंखें खोली रखी थी, उनके शरीर और दिमाग में एक निश्चिंत सी आ गई थी। कुछ ही पल में उनकी आंखें नींद से झपक गईं। अचानक कोई पेड़ से सीधा नीचे अथर्व की गर्दन के पास कूदा। अथर्व ने तुरंत आंखें खोल दी, उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी कि खुद उसके कानों तक सुनाई पड़ने लगी थी। उसने सोचा कि वो अपने कमर में बंधे खंजर से तुरंत उसका गला काट दे, मगर कोई फायदा नहीं था क्योंकि तुरंत ही उसने ये पाया कि उसकी आंखों के ठीक एकदम आगे किसी यति ने एक नुकीला खंजर लटका रखा है और अगर उसने हल्की सी भी कोई हरकत की तो वो सीधा उसकी आंखों में उतार देगा। और ऐसा नहीं कि अथर्व वहां उस यति से लड़ने में असमर्थ था, अगर वो थोड़ी सी चालाकी और हिम्मत दिखाता तो उस यति को शायद हरा भी सकता था। लेकिन जब उसने आंख घुमाकर देखा तो उसके शरीर के इर्द गिर्द घेरा बनाए कम से कम 10 और यति मानो हाथों में फरसा लिए नीचे आंख गड़ाए अथर्व को देख रहे थे। अथर्व बुरी तरह से उनसे घिर चुका था। एक तरफ जहां अथर्व इनके चंगुल में फंस चुका था, वहीं गायत्री भी उन यतियों से अछूती नहीं रह गई थी। जिस जगह पर गायत्री ने अपने सोने का स्थान बनाया था वहां पहले से ही कुछ यति मौजूद थे। जैसे ही गायत्री वहां लेटी, कुछ यति मानव अचानक जमीन में बने गड्ढों में से निकलकर गायत्री के सामने खड़े हुए और कुछ ही पल में पेड़ों की मोटी मोटी लताओं से उसके हाथ पैर कस के बांध दिए। गायत्री ने भी पूरी हिम्मत दिखाते हुए अपने हाथ पैर मारे, लेकिन वो अकेली उन यतियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आखिर दिन रात ऐसे पहाड़ों में रहने वाले मानव महलों में रहने वाले मानव से इन मामलों में तो आगे होंगे ही। पहाड़ उनका घर था, वो अच्छी तरह से उसका उपयोग करना जानते थे। वहीं गायत्री वहां उन पहाड़ों की मात्र मेहमान थी। जब इन यतियों ने अथर्व और गायत्री को बंदी बनाकर अपने इलाके में ले गए तो दोनों वहां धनंजय को पहले ही बंदी बना देखकर अवाक रह गए। अथर्व ने मन में सोचा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जीजा जी कैसे गायत्री को उस तेंदुए के सामने छोड़कर खुद आगे बढ़ गए थे, और अब देखो हमसे पहले ही यहां मेहमान बने हुए हैं। गायत्री तो धनंजय को देखकर बेहद खुश थी। बड़ा आया था कमल तोड़ने वाला, अब जब हड्डियां तोड़ी जाएंगी तभी औकात भी समझ आ जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी करके यहां से निकल ही लूंगी। तलवार से बात बनी तो ठीक, वरना प्यार की जरूरत तो जानवर को भी होती है, ये तो फिर भी मानव है। वैसे तो गायत्री देवव्रत के प्रतियोगिता में रहते भी अपना पूरा जी जान लगाती थी कि वही प्रतियोगिता जीते, पर देवव्रत के जाने के बाद उस पर दो दो जिम्मेदारी आ गई थी। उसे अपना भी स्वाभिमान बचाना था और अपने परिवार का भी। वो प्रतियोगिता जीतने के लिए शाम ताम दंड भेद सब कुछ अपनाने के लिए तैयार थी। कुछ यतियों ने तीनों को एक जगह पर ही बांध दिया और सामने आग पर एक बहुत ही बड़ी सी हांडी चढ़ा दी। हांडी इतनी बड़ी थी कि एक हुष्ट-पुष्ट आदमी को आराम से पका दे। धनंजय ने हकलाकर बोला, ये क्या कर रहे हैं ये पागल जंगली, हमें इसमें उबालने वाले हैं क्या? धनंजय जो इतराकर सबसे पहले वो कमल को पाने चला था, अब मारे जाने के शोक में वहां खड़ा लगातार बड़बड़ाए जा रहा था। घड़े का पानी भाप बनकर उबलने लगा था। एक यति ने दूसरे को कुछ इशारा किया और वो उसी समय अथर्व की ओर बढ़ा। उसने अपना खंजर अथर्व की गर्दन पर भिड़ाए हुए अथर्व की रस्सी को काटा और धक्का देते हुए उसे उस आग पर चढ़े हांडी के पास ले जाने लगा।
अथर्व सिर्फ उस खंजरधारी के निशाने पर नहीं था बल्कि कई भालों के भी नोक पर था। गायत्री और धनंजय तो उसे देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन साथ ही वो ये भी जानते थे कि उस पानी में उबलने की अगली बारी उनमें से ही किसी की थी। महल में मार्तंड आंख गड़ाए इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कब गुरुदेव अपने कमरे के बाहर हों कि वो अपने यंत्र से उन 5 पत्थरों का पता लगाए। और आखिरकार उसे वो मौका मिल गया था। जब गुरुदेव और राजा समरजीत सिंह दोनों वैदेही के कमरे के बाहर इकट्ठा थे, तब मार्तंड चुपके से अपना यंत्र उठाकर गुरुदेव के कमरे में जाने को निकल पड़ा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अभी जब तक वो राजा से वैदेही की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, मैं जल्दी से इस यंत्र की मदद से जांच लेता हूं कि आखिर गुरुदेव ने वो 5 पत्थर कहां छुपाए हैं। मार्तंड दबे पांव गुरुदेव के कमरे में घुसा और अपना यंत्र कमरे के हर कोने में इधर उधर फिराने में लगा। कभी पलंग के नीचे, तो कभी दीवारों पर, तो अलमारियों के ऊपर, तो कभी कहीं और। लेकिन मजाल नहीं जो यंत्र से एक बार भी आवाज आई हो। आखिर इस आदमी ने वो पत्थर छुपाए कहां है? मेरे कमरे में तो ये यंत्र बराबर काम कर रहा था, इतनी जल्दी खराब हो जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये 5 पत्थर वाकई है भी या गुरुदेव सबको मूर्ख बना रहे हैं? मार्तंड सोच ही रहा था कि तब तक अचानक एक सैनिक उधर से चहलकदमी करता हुआ गुरुदेव के कमरे से गुजर रहा था। उसका ध्यान अचानक ही मार्तंड पर पड़ा। वो तुरंत उसके पास आया और सख्त आवाज में पूछा, आप यहां गुरुदेव के कमरे में क्या कर रहे हैं और वो भी इतनी रात गए? मार्तंड ने अपने उसी अखड़ अंदाज में जवाब देते हुए कहा, क्यों, रात को गुरुदेव से मिलना मना है? तभी सैनिक की नजर उसके हाथ में पकड़े यंत्र पर पड़ी। उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने तुरंत अपने हाथ में लिया भाला मार्तंड की गर्दन पर रख दिया। उसने बड़ी जिज्ञासा के साथ मार्तंड से पूछा, और ये आपके हाथ में क्या है? सैनिक वो यंत्र देखकर डर गया था। उसे लगा, ये अजीबो गरीब चीज क्या है इसके हाथों में? कहीं मार्तंड गुरुदेव को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया है? वैसे भी आदमी बड़ा ही अजीब है, कभी पलंग के नीचे मिलता है तो कभी बक्से में, क्या भरोसा कब क्या कर दे। उसने मार्तंड से तुरंत जवाब न मिलने पर भाला और सख्ती से पकड़ लिया। मार्तंड ने कहा, अरे खुदाई के लिए नया यंत्र आया है, वही है, बड़ी दूर से मंगवाया है, समझे? कहते हैं यंत्र में विश्वकर्मा का वास होता है, इसलिए गुरुदेव से इन पर आशीर्वाद लेने आया था ताकि काम अच्छे से चलता रहे। सुबह से काम शुरू करना है ना, समझे? अब रास्ता छोड़ो मेरा, बताओ गुरुदेव कहाँ है? मार्तंड ने इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात बोली कि सैनिक ने उसकी बात मान ली और कहा, गुरुदेव राजकुमारी वैदेही के कमरे के बाहर है, राजा साहब से उनकी कोई जरूरी बात चल रही है। मार्तंड सैनिक को अपनी कोहनी मारकर आगे निकलते हुए बोला, मेरा काम भी तो जरूरी है, अब हटो। सैनिक उसे चिल्लाकर रोकता रहा, लेकिन मार्तंड कहां रुकने वाला था? वो महल में ऐसे धौंक जमा कर रहता था जैसे ये महल समरजीत सिंह का नहीं, मार्तंड का हो। वो सीधा गलियारे से होते हुए वैदेही के कमरे के पास चला गया, जहां गुरुदेव और राजा समरजीत सिंह आपस में शायद वैदेही को ही लेकर कुछ बात कर रहे थे। अब उसे अपने यंत्र पर गुरुदेव से कोई पूजा तो करानी नहीं थी, वो तो बस उसने सैनिक से बचने के लिए बकवास किया था, इसलिए उसने अपनी जेब से कपड़ा निकाला और यंत्र को ढककर वहां से गुजरने लगा। सामने गुरुदेव और राजा खड़े थे। मार्तंड ने दोनों को एक झूठी सी मुस्कान दी और मन में सोचने लगा, मेरी सारी योजना पर पानी फेर कर खुद पता नहीं क्या बात में मग्न हुए जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ है वो 5 पत्थर, आज तक तो किसी को मिले ये भी नहीं पता, ये पत्थर है भी या नहीं। ये बोलते हुए वो वैदेही के कमरे से जैसे ही गुजरा, उसके हाथ में पड़ा वो यंत्र टू टू करके बजने लगा। राजा और गुरुदेव एकदम से सकपका गए। समरजीत सिंह ने कहा, सैनिको ये आवाज कैसी है और कहाँ से आ रही है? गुरुदेव भी इधर उधर देखने लग गए थे। उनके साथ साथ मार्तंड भी एकदम से घबरा गया, क्योंकि राजा और गुरुदेव दोनों के दोनों ही वहीं खड़े थे। मगर फिर एकदम उसका दिमाग झटका और वो ये सोचने लगा कि गुरुदेव के कमरे में तो ये यंत्र एक बार भी आवाज नहीं की, वो यहाँ वैदेही के कमरे के सामने आकर आवाज क्यों करने लगी? क्या वो 5 पत्थर गुरुदेव ने वैदेही के कमरे में छिपाए हैं, या वैदेही ने उन 5 पत्थरों को चुरा लिया है? आखिर ये यंत्र यहाँ आकर क्यों टूटू कर रहा है? मार्तंड एकदम हक्का बक्का वहीं खड़ा था। इस बात ने उसे उलझा दिया था कि उसे न तो यंत्र बंद करने का ध्यान रहा और न ही वहां से निकलने का। मार्तंड का यंत्र आखिर वैदेही के कमरे के बाहर आने पर आवाज क्यों करने लगा था? क्या अथर्व, गायत्री और धनंजय उन यती मानवों से अपनी जान बचा पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए 5 पत्थर सिर्फ पॉकेट एफएम पर आरजे रॉबर्ट के साथ। मार्तंड जब अपना यंत्र लेकर वैदेही के कमरे से गुजर रहा था, तभी अचानक उसके यंत्र से तेज आवाज आने लगी। गुरुदेव और समरजीत वो अजीब सी आवाज सुनकर चौंक गए। वहीं मार्तंड ये सोचकर चौंक गया कि आखिर ये आवाज वैदेही के कमरे से क्यों आने लगी थी। तभी समरजीत सिंह ने पूछा, मार्तंड ये तुम्हारे पास से किस तरह की आवाज आ रही है, ये क्या छुपा कर ले जा रहे हो तुम? मार्तंड अपनी सोच में बिल्कुल गहराई से डूबा हुआ था, इसलिए राजा की बात उसके ध्यान में ही नहीं रहा। राजा ने फिर पूछा, मार्तंड बताओ क्या छुपा रहे हो? इस बार राजा की सख्त आवाज से मार्तंड का ध्यान टूटा। उसने हड़बड़ाकर कहा, कुछ नहीं महाराज, कुछ छुपा नहीं रहा, ये तो बस एक यंत्र है जो खुदाई के काम में आती है, बहुत दूर से मंगवाई है। मार्तंड ने कपड़ा हटाकर दिखा दिया। राजा को कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने और कोई सवाल मार्तंड से नहीं किया, और वैसे भी सब वैदेही के मामले से ज्यादा परेशान थे, इसलिए मार्तंड पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। मार्तंड वहां से तुरंत निकल गया। उधर त्रिभंगा पर्वत पर उन येतियों ने अथर्व को मारकर खाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। 4-5 येतियों ने कसकर उसका हाथ पैर पकड़ा और उबलते पानी की हांडी में उसे डालने के लिए उसे ऊपर उठाया। अथर्व छटपटा रहा था, अपने पूरी साहस लगा रहा था, पर उन दरिंदों जैसे येतियों के आगे उसकी एक न चली। अथर्व अपने जीवन की भीख मांग रहा था। धनंजय और गायत्री तो जैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अगले के बजाय इसी पल वो येति उसे उबलते पानी की हांडी में डाल देते। दोनों के चेहरे पर एक कान से लेकर दूसरे कान जितनी लंबी मुस्कान बनी हुई थी। आखिरकार उन येतियों ने एक दूसरे को इशारा किया और उसे उस हांडी में डालने ही वाले थे
कि अचानक सटाक से एक नुकीला तीर एक यति की गर्दन पर आकर लगा। तीर के लगते ही उसकी गर्दन की नस फट गई और खून की धार बहने लगी। उसके हाथ से अथर्व का पैर छूटा और वह तुरंत ही जमीन पर गिरकर मर गया। दूसरा यति जिसने अथर्व के हाथों को दबोच रखा था, उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, अचानक से एक तीर ने उसकी आंखों को भी बुरी तरह भेद दिया। एक के बाद एक लगातार तीर पर तीर चलने लगे और जिन जिन लोगों ने अथर्व को दबोच रखा था, वो चारों यति वहीं खून से नहलाए वहीं जमीन पर चित्तान पड़े थे। अथर्व ने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक पेड़ के ऊपर बैठी एक लड़की दिखाई दी, जो किसी भील समाज की दिखाई पड़ रही थी। मात्र एक सफेद साड़ी जो कमर से लेकर ऊपर सीने तक लिपटी थी, गले में लकड़ियों की मोती से बने अजीबो गरीब माला और नाक के बीच में एक छोटी सी लटकती नथनी। अथर्व उसे देखकर हैरान हो गया। आखिर ये लड़की है कौन जिसने इन खतरनाक यतियों का सामना करने का इतना साहस है, लेकिन ये अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान बचाने क्यों आई है भला? वो लड़की लगातार अपने तीरों और दूसरे शत्रुओं से यतियों के नाक में दम किए जा रही थी। अथर्व अगर चाहता तो वहीं से 9-2-11 हो सकता था, लेकिन उसकी अच्छाई ने फिर से उसे रोक लिया। अगर मैं यहां से चला गया तो ये यति मानो गायत्री और जीजा जी को मार डालेंगे। प्रतियोगिता चाहे जितनी बड़ी हो, मैं इन्हें यहां ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता। अथर्व अब क्योंकि उनके चंगुल से मुक्त हो चुका था, वो तुरंत भागकर गायत्री के पास गया और पलक झपकते ही अपने खंजर से इसके हाथ की रस्सियां काटकर उसे आजाद कर दिया। धड़ाधड़ चारों ओर से तीर चलते ही जा रहे थे, मगर अथर्व ने बचते बचाते धनंजय को आजाद कर दिया। दोनों ने अपने अपने शस्त्र संभाले और वार करते बचते बचाते झाड़ियों में छिप गए। अथर्व भी बस अब वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक उसे चिल्लाने की आवाज आई। अथर्व ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की पेड़ से गिरकर नीचे जमीन पर पड़ी थी और दो यति उसकी तरफ लपक कर भागते चले आ रहे थे। वो लड़की उठकर भागने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अथर्व ने देखा उसके पैर पर एक तीर लगा जिससे उसका पैर बुरी तरह से घायल हो गया था। यति अब बिल्कुल उस लड़की के पास आने ही वाले थे। मैं उस लड़की को उनके हवाले ऐसे नहीं छोड़ सकता, आखिर उसकी वजह से आज मेरी जान बची है, मुझे उसका ये कर्ज चुकाना ही होगा। अथर्व ने इधर उधर देखा तो वहीं 2-4 कदम की दूरी पर उन यतियों के ढेर सारे फरसे रखे थे। अथर्व ने भागकर दो फरसे उठाए और हवा में तेज रफ्तार के साथ उन यतियों की तरफ फेंका। दोनों फरसे सीधा जाकर यतियों के गर्दन में गंथ गए। अथर्व ने तुरंत उस लड़की को गोद में उठाया और जंगल की तरफ भाग निकला। थोड़ी दूर निकलने के बाद जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो अथर्व ने उस लड़की को गोद से उतारा और उसे संभाल कर बिठाया। उसने उसके पैरों में चुभा तीर निकाला और अपने धोती का एक कोना फाड़ कर उसके पैरों पर बांध दिया। लड़की अब थोड़ी संभल चुकी थी। अथर्व ने उससे पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने बताया, मेरा नाम अवली है और मैं त्रिभंगा के भील कबीले से हूँ। अथर्व ने उसे उत्सुकता जताकर फिर पूछा, लेकिन तुम इन खतरनाक यतियों के बीच यहाँ क्या कर रही थी? अवली ने गुस्से भरे लफ्जों में कहा, उन यतियों से अपना बदला पूरा करने आई थी। अथर्व अवली के उस बदले का किस्सा जानना चाहता था। इधर यामी धनंजय के बिना अलग परेशान और बेचैन घूम रही थी। उसे अब अपनी भविष्य की चिंता होने लगी थी। कहीं ये धनंजय मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा? पहले तो शुरू में अक्सर मुझसे मिलने आता था, महंगे महंगे तोहफे भी लाया करता था, और अब जब भी पूछो तो प्रतियोगिता में व्यस्त होकर गायब रहता है। एक तो खुद नहीं आता और उस दिन मैं महल पहुंच गई तो मुझे बिना मतलब के 2-4 बातें सुना दी। यामी ने खुद से मुंह ऐंठते हुए बोला, और ये इरावती कोई नागिन थोड़ी है जो डस लेगी। आखिर धनंजय उसका पति है, वो चाहे तो बिल्कुल अपनी चला सकता है। लेकिन मुझे लगता है अब धनंजय का मुझसे मन भर गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, क्या करूं? यामी खुद से ही ये बातें सोचते हुए इधर उधर कोई ना कोई तरकीब लगा रही थी कि अचानक उसे वो बात याद आई जो धनंजय ने उससे कही थी। और वो उस दिन क्या बोल रहा था कि जीतने वाले को गद्दी के साथ साथ क्या मिलेगा? हाँ, 5 दिव्य पत्थर। जितने गुण धनंजय उन पत्थरों का बता रहा था, अगर वाकई में वो सच है तो मेरी तो जिंदगी ही संवर जाएगी। मैं ऐसे धनंजय के हाँ के इंतजार में ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकती। यामी के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। धनंजय तो प्रतियोगिता के सिलसिले में त्रिभंगा पर्वत गया हुआ है, फिर इतनी रात गए, मेरे दरवाजे पर कौन आ गया? यामी ने जैसे ही दरवाजा खोला वो एकदम से हक्की बक्की रह गई। सामने दरवाजे पर देवव्रत खड़ा था। दरअसल उस दिन जब यामी राजमहल आई थी तो देवव्रत ने दोनों को देख लिया और तब से उसके दिमाग में ये कुलबुलाहट हो रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन। लगातार ढूंढते रहने के बाद आखिरकार देवव्रत को यामी का पता चल ही गया था। देवव्रत ने यामी से सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम और धनंजय से तुम्हारा क्या रिश्ता है? यामी ने बिल्कुल अनजान बनकर कहा, धनंजय से रिश्ता? हाँ, ऐसी किस्मत तो चाहिए थी मुझे भी कोई राज घराने का मिलता, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। आप भी ना राजकुमार देवव्रत, अच्छा मजाक कर लेते हैं, मैं ठहरी एक मामूली सी लड़की, अब मेरा भला राज घराने में किसी व्यक्ति से क्या रिश्ता हो सकता है? देवव्रत ने झटक कर कहा, ये अनजान बनने का नाटक किसी और के सामने करना, समझी? मैंने इन्हीं आंखों से तुम्हें और धनंजय को महल के मुख्य द्वार पर एक दूसरे से बात करते देखा है, सच सच बताओ वरना। यामी अब और झूठ बोलने के लायक बची नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि देवव्रत ने उसे वाकई उस दिन महल में देख लिया था। यामी ने सब सच सच उगल दिया, राजकुमार देवव्रत मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही धनंजय की है। मैं जानती हूँ इरावती आपकी बहन है, पर अब कोई क्या करे, जब मुझे धनंजय और धनंजय को मैं पसंद आ गई तो हाँ, हम दोनों एक साथ हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन। यामी की ये बात सुनकर देवव्रत एकदम अचंभे में था। उसको तो जैसे नया रायता मिल गया था फैलाने के लिए। ये हुई ना कोई खबर, इरावती जिस धनंजय के नाम पे माला जपते फिरती है, अब उसे पता चलेगा कि उसका पति माला के नहीं जूतों के लायक है, जो हर जगह मुंह मारता फिरता है। अब तो पिताजी को भी समझ आएगा, बड़ा घर जमाई बना के रखा था नहीं से, अब लो अपनी लंका में आग लगा दी इसने। वो तुरंत अपने ख्यालों से निकलकर यामी से पूछा, हाँ तो तुम क्या कह रही थी, लेकिन? लेकिन क्या? यामी नखरे करते हुए बोली, लेकिन यही राजकुमार कि धनंजय मुझे पहले जितना वक्त नहीं देता, उसका सारा समय एक तो इरावती ले लेती है और फिर जो समय बचता है वो प्रतियोगिता में लगा देता है। मेरे लिए तो उसके पास अब समय ही नहीं है राजकुमार।
यामी ने तुरंत देवव्रत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन राजकुमार, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके इसके लिए मुझे कोई सजा मत दीजिएगा। हाँ, मानती हूँ कि आप राजकुमार हैं, जिसे चाहे उसे अपना बना सकते हैं, लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको भी कोई पसंद हो पर वो आपको वक्त ना देती हो? यामी की बात सुनकर देवव्रत के दिमाग में जो सबसे पहला नाम था वो वैदेही का था। वो उसके बारे में सोचते हुए खोस आ गया। उसने कहा, हाँ हुआ तो है कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो मुझे समय ही नहीं देती। वैसे कौन है ये? देवव्रत ने अचानक से कह दिया। वैदेही, नाम लेते ही देवव्रत को ख्याल आया कि वो यहाँ यामी की जानकारियां लेने आया था, पर उल्टा अपनी ही जानकारियां दिए जा रहा था। यामी ने उसे कहा, देखिए राजकुमार, मैं आपकी परेशानी समझ गई। एक बार ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच में प्यार तो होता है पर उस प्यार का एहसास नहीं होता, बल्कि कराना पड़ता है। मतलब क्या है तुम्हारा, साफ साफ बताओ? देवव्रत ने सीधे साफ लफ्जों में पूछा। मतलब ये है राजकुमार कि जैसे धनंजय मुझसे प्यार करता है पर इरावती उसे छोड़ती ही नहीं कि वो मेरे पास आए, इसलिए शायद धनंजय का ध्यान मुझसे हटता जा रहा है। कोई चीज सामने हो प्यार अपने आप हो जाता है, ये जिस वैदेही के बारे में आप बता रहे हैं वो ध्यान क्यों नहीं देती? आपने ये पता करने की कोशिश की? देवव्रत के मुंह से फटाक से निकल पड़ा, पता क्या करना है, मैं जानता हूँ वो अथर्व दिन रात उसके आगे पीछे मंडराता रहता है, इसलिए उसका ध्यान मुझ पर नहीं आया। अच्छा हुआ गुरुदेव ने उसको त्रिभंगा पर्वत भेज दिया। राजकुमार, मैं भी एक लड़की हूँ, खूब अच्छे से जानती हूँ ये सब दिल के मामलों को। मैं वैदेही को आपसे मिलवाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको भी मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। किस तरह का काम? देवव्रत ने पूछा। जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी अथर्व भी नहीं है महल में, मतलब वैदेही का ध्यान भटकाने वाला कोई नहीं होगा, तो आप मुझे अपने साथ महल ले चलिए और वैदेही को ये लगने दीजिए कि मैं आपकी प्रेमिका हूँ। जब वो मुझे और आपको साथ देखेगी तो उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा, तब वो अकेला महसूस करने लगेगी, फिर खुद ब खुद उसका ध्यान आप पर ही आ जाएगा। राजकुमार, मैं लड़की हूँ ना, खूब अच्छे से जानती हूँ कि मुझे आपके साथ देखकर वैदेही अंदर ही अंदर चल जाएगी, और लड़की जब जलना शुरू कर दे मतलब समझिए कि उसे आपसे प्यार हो ही गया बस। यामी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में देवव्रत को ऐसा फंसाया कि देवव्रत ने तो हवा में महल बनाना शुरू कर दिया। उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं बची थी, मात्र वैदेही के साथ रहने भर के ख्याल से उसके चेहरे की हंसी दुगनी हो गई थी। उसने खिलखिलाकर पूछा, तुम सच कह रही हो ना? आपसे झूठ बोलूं, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है राजकुमार। देवव्रत जिस मकसद से यहां आया था उसका तो यामी ने अचार बनाकर खुद देवव्रत को चटा दिया था। देवव्रत यामी की बात मान गया और अपने साथ महल ले जाने को तैयार हो गया। यामी ने अपने मन में सोचा, कितना आसान है लड़कों को बेवकूफ बनाना, खैर मेरा काम तो हो गया। आखिर यामी महल जाकर क्या नया खेल रचने वाली थी और भील कबीले की अवली येतियों से किस बात का बदला लेना चाहती थी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पांच पत्थर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर आरजे रॉबर्ट के साथ।